सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए एंड अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में और जो व्यापम ग्रुप टू सब ग्रुप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके 4 से 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में फर्स्ट बात करते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में और 3 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन ही आते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो है हमारी इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें जो सम ऑफ रूट रहता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, जैसे कि हमारी इक्वेशन है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा हमारा माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये माइनस बी और ये ए आ जाएगा, और प्रोडक्ट्स ऑफ अ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ अ रूट क्या होगा हमारा, वो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यू है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमको याद करनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर जो हमारा ये रूट है, ठीक है, अल्फा, इसको निकालते कैसे हैं। ठीक, तो इसका ये है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक चीज और आती है, इसका जो नेचर ऑफ रूट देखते हैं हम। ठीक है, ये रूट रियल है या क्या है, तो उसके लिए जो है सिंपल सी चीज है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, और अगर इसी कंडीशन में हमारा जीरो, या तो हम इसको डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट, अगर हमारा ये डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे हमारे रियल, ठीक है, एंड अनइक्वल। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद फिर इसमें एक और चीज आती है कि डी हमारा इक्वल टू जीरो होगा तब हमारे रूट्स क्या होंगे, तब हमारे रूट्स होंगे रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, और इक्वल टू होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन जीरो होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये जो था 2 डिग्री पॉलिनोमियल की एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इक्वेशन है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, तो उसमें जो सबसे पहली चीज निकालेंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा माइनस बी बाय ए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इसका रूट हमारा क्या होगा, सी बाय ए, और जो भी हम तीनों प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, तो उसका आएगा फॉर्मूला माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए और माइनस डी बाय ए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बता रहा है क्या है, फैक्टर है इस इक्वेशन का, ए एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब हमें ये पूछ रहा है ये ए और बी की वैल्यू। ठीक है, ये जो ए है और ये बी की वैल्यू, ये क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस 1 और ये माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लस 1 की वैल्यू हम यहाँ पर पहले इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह में प्लस 1 रखना है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 2 माइनस 3 प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो हमने सिंपल 1 रख दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगी a प्लस बी, ठीक है, 3 माइनस 4 7, और 7 में से 2 चले जाएगा तो माइनस 5 आ गया, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब हमने प्लस 1 रखा था, अब हम क्या रखेंगे, माइनस 1। ठीक है, यहाँ हमने प्लस 1 रखा था, अब माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4, तो यहाँ पर सिर्फ a रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, x की पावर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2। ठीक है, प्लस 3
x की पावर 2 में माइनस 1 करेंगे तो 1 रहेगा और यहाँ पर माइनस बी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तब यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी तो माइनस 2 माइनस 3 5 और माइनस 4 9, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 9। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू 9। हमें निकालना क्या था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो उसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू 9, तो माइनस प्लस माइनस, तो a कट गया, तब हमारे क्या बचा 2b। ठीक है, और 9 में से 5 गया तो कितना हो गया माइनस 4, तो b की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई माइनस 2। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन में कहीं भी रख देंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 2, यहाँ पर रख देते फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू माइनस 2 रख दी, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 2 हो जाएगा इधर जाके, तो ये हो गई 7। तो हमारा जो आंसर आ गया a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू माइनस 2, यानी कि ये आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, एक ये हमारे पास इक्वेशन दी है, ये 2 डिग्री की दी है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 8। ठीक है, अब ये बता रहा है कि एक रूट जो है वो ट्वाइस द अदर, दूसरे के डबल, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो 2 डिग्री पॉलीनोमियल की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 8, उसमें सम ऑफ रूट क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमने सिंपल ही फॉर्मूला देखा था, माइनस बी बाय ए होता है, तो यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, सी बाय ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए, तो उससे हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे 8 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से ये 4 कट गया, तो 4 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब बीटा की वैल्यू जो 2 आई है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन 2। ठीक है, 8 अपॉन बीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या निकालना, एम की वैल्यू, तो एम के लिए हमने ये बना हुआ है सम ऑफ रूट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एम, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डाल देंगे, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू एम, यानी कि एम की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये हमारा एम आ गया, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के निकाल दिया। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, एक इक्वेशन दी है और पी एंड क्यू मतलब जीरोस हैं, मतलब रूट्स दिए हुए उनके, तो हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें ये निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, पी प्लस क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है 16x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 9 इधर चले गया, 9 अपॉन 16 ये अंडर रूट में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 3/4 और एक आ गई माइनस 3/4। ठीक है, प्लस 3/4 माइनस 3/4 यहाँ पर रख देंगे, 3/4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर रख देंगे 3/4 इंटू माइनस 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 से कट गया 8 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 और 4, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया था, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 9/8, यानी कि ये, तो हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना था, और फॉर्मूले में ध्यान करके हमें वैल्यू इधर से इधर रखकर और उसका रूट्स निकाल के यहाँ पे पी प्लस क्यू की जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल दी, और पी इंटू क्यू मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे डाल दी, और उससे हमारा आंसर आ गया 9/8। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 2x² - 6a² x + b,
यानी कि ये हमारी थ्री डिग्री पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ बी, मतलब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, हमें सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये सब नहीं निकालना है, हमें सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स माइनस ए का फैक्टर दिया हो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई ए, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हमारा क्या सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो फोर ए क्यू हो गया प्लस टू ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब माइनस सिक्स ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो फोर ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब क्या हो गया, सिक्स ए क्यूब माइनस सिक्स ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों हमारा कट गया, तो उससे हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर ये सॉल्व हो गया हमारा, तो हमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ए इंटू बी ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका रूट्स निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये टू डिग्री पॉलिनोमियल है। अब हम सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे यहाँ पर इसका निकालने के लिए, इसकी वैल्यू देख लेंगे, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो उसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था डिस्क्रिमिनेट वाला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, और ये हमारी क्या होती थी, अल्फा एक रूट होता था, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, फोर, बी की वैल्यू क्या है, फाइव इंटू ए माइनस बी, और सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेट का है, अल्फा का जो फॉर्मूला था वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये यहाँ पर इसको हम रख देंगे, माइनस फाइव इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइव ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी दी है फोर, और सी की वैल्यू क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। और अपॉन में क्या दिया हुआ है, टू इंटू ए, यानी कि टू इंटू फोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, अभी वैल्यू डाल दी है। अब वैल्यू डालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, माइनस फाइव ए माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देख लेंगे फाइव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो और ये इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, तो फाइव स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो उसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिक्सटीन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अपॉन में क्या हो जाएगा, टू इंटू फोर एट, ठीक है, इसको और लिख लेते हैं, माइनस फाइव ए माइनस बी प्लस माइनस, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9 ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस फाइव ए माइनस बी प्लस, इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ए माइनस बी, ठीक है। एक बार हम यहाँ प्लस से निकाल लेते हैं, एक बार हम माइनस से निकाल लेते हैं, यानी कि माइनस फाइव ए माइनस बी माइनस 3 ए माइनस बी अपॉन 8, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ एक प्लस का रूट था, एक माइनस का, तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, प्लस का ले लिया, सेकंड टाइम माइनस का ले लिया, जिससे हमारे दोनों रूट्स अलग अलग आ जाएंगे। तो माइनस फाइव ए माइनस बी प्लस थ्री इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस का टू ए माइनस बी अपॉन, ये एट था, ठीक है, माइनस एट हो गया, यहाँ से टू कट जाएगा फोर, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में किस तरह का दिया है, बी माइनस ए दिया हुआ है, तो हम इसको साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, तो उसको अपोजिट कर लेंगे, बी माइनस ए अपॉन फोर, तो हमारा एक रूट ये आ गया, बी माइनस ए अपॉन फोर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सेकेंड रूट भी चेक करना है, बी माइनस ए दिया हुआ है और बी माइनस ए बाई टू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस फाइव ए माइनस बी माइनस थ्री ए माइनस बी, तो उसको एड हो जाएगा, ये माइनस एट ए माइनस बी अपॉन एट, एट एट कट गया, इसको फिर साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, यानी कि हमारे जो रूट आ गया, एक का आ गया बी माइनस ए बाय फोर और एक का आ गया बी माइनस ए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आज इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए पॉलीनोमियल्स के ऊपर, 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों के ऊपर। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट और बना दूंगा जिसमें आपके 7-8 क्वेश्चन और करा दूंगा, और बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब लेबर इंस्पेक्टर के आए हुए हैं, यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।